अधिकारों पे हैं। तुम 7 साल से तुम ईमानदारी की बात ना बोले, क्यों बोले, क्यों लगे हम तुम्हारे संग, क्यों लगे हम तुम्हारे संग? देसी हमें भारत को किसान ही भारत है। ठीक है, बात खत्म करो भैया। सबको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके लिए ये साल अच्छो रहे और हो सके नई साल में हम भी उठ के चले जाए यहाँ से, हमारी भी कामने बढ़ जाए। सब भैयान के लिए नया साल अच्छो आवे, मीडिया सदबुद्धि दे, जनता की बात करने लगे मीडिया। हमारे देश को भोलो आदमी है, राम रहीम आसाराम के पीछे 1 करोड़ की भीड़ ढोल रही, बेका लिया उन्होंने भी, बेक जा भाई, काहे को तुम बेका रहे हो, मैं 7.5 महीना से तुम भी बेकाने कोई काम कर रहे हो, सरकार कह रही है, तुमने ये भी कही है, किसान कह रहे हैं। आपकी बात ही तो कमाल की बात है यार, तुम भी क्या नहीं बांटने आ गए हमें, जब बोलोगे तभी तो जाएगी। तो आप मानते हैं आप भोले हैं भैया? भोले या देश को आदमी भोलो है हमारे को, अब भोलो आदमी बेक जाए, बेक गए किसान भोले हैं। हाँ भोले हैं, और किसान तुम्हें चोरा मोरा दिखाई दे रहे हैं, कैसी बातें लाओ यार, ढूंढा नहीं तो आप कह रहे जेब खत रहा हो किसान। आप कह रहे कृषि मंत्री किसे बना दिया, राजनाथ कुछ जाने भी हैं, अब राजनाथ सिंह ही कह रहे हैं कि एक बार अप्लाई करके तो देख ले 1.5 साल के लिए। तो अरे तो 3 अन्य अप्लाई करने की क्या जरूरत थी, पहले विचार करते, एक आध लाइन लिख के लाते, वहाँ चालू करके देखते, चल जाती तो ठीक है। 20 साल से विचार चल रहा था इन कानूनों में, आपको किसने, स्वामीनाथन आए होंगे कैसे धर के बैठे, वो दिखाई ना दे इन्हें, आंख बंद हो जाए इनकी, जब प्रधानमंत्री कह रहे लागू कर दिया हमने, कहाँ से कर दिया, तुम पे कोई कागज है वाको, कहीं फोटो हो वा कागज को हमें दिखा जाओ भैया, है कहीं स्वामीनाथन आए होंगे कुछ, क्या यार नहीं बात लाओ ढूंढ डांड के, तुम प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हो, कोई काम करे बंदे लाख भी बांट रहे, तुम भी अपनी कहीं कोई दुकान खोल लेते, लिए डोलते हुक्का चेन नहीं यार, कैसे उठाते फिर आप आंदोलन करने आते तो आपके पास कैसे? अरे हम तो रोज करें भाई आंदोलन, कोई और आ जाए को जब भी करेंगे, जो पीछे चलेंगे जब भी करेंगे, काम है ये तो आपका आंदोलन करने का। जब हम पे कोई गलत चीज ला देगा तो करेंगे 50 बार करेंगे। मीडिया कह रही है कि आप लोग उपद्रव मचा, मीडिया कुछ बोलती तो हमें क्या जरूरत थी यार, मीडिया ने तो भी करके ना दी, 7 साल से मीडिया फकीर है, आज हम दिखा रहे हैं कुछ और दिखा रहे हैं, सुधीर चौधरी वहां से फोटो खिंचवा के मंगवा लिए, सुधीर चौधरी ने इतना बड़ा ज्ञानवान एडिटर चीफ है, ये खुर्जा की बता रहे हैं वो, क्या खुर्जा में इन बीजेपी वाले ने वो बुला लिया किसान, बाकी समर्थन में बिलके में कहीं तो पकड़ लाए तो 50-40 आदमी ने, और फिर वहाँ ब्लॉक में समोसे बटन लगे, सुन लो यो, अब वो समोसे कम पड़ गए, उनमें बाज को जूता और बैंक जो 80,000 में 50 समोसे भी ना, ये इनके कारण में वो सुधीर चौधरी कहीं तो फोटो मिल गए काट कूट के ऊँचा दिखाओ, उनका मन ने करे वो माने, हम तो ना दिखाए गाजीपुर बॉर्डर पे आवे बीच में बैठे और यूँ पूछे मेरे भाई हो तो भाई समझ जाएगा, वहाँ टाइम ही ना, लड़ने तो लग जाते मीडिया वालों से, कौन से मीडिया वाले थे लगे हम आर भारत से लड़े नहीं, हमारो किसान कायदे ना लड़े, वो कोई बीजेपी कोई आदमी होगा लत्ता फारा, आपके नेता हमारो किसान भैया कोई लड़े मीडिया से यार, हमारो क्या मतलब, आपके नेता को कई बार प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मीडिया से को कुछ ना कहे, अरे तो हम तो प्रार्थना ही करते क्योंकि वहाँ का पोस्टर तो लटकना रहो, आज बाहर से आदमी दिख रहा भीतर बीजेपी भर रही वहाँ के, तू कर कोई गड़बड़ किसानों को क्या मतलब यार यार चीज़ थे, तो जब बीजेपी सपोर्ट करता हो किसान नहीं है, मैंने सुन भाई मेरी बात, मैं ना तो बीजेपी की वर्कशॉप में बन के आए किसान, ना कहीं और राजनीतिक पार्टी बने, हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमारा एक मजहब एक धर्म है किसान है हम, और कोई हमारा धर्म ना है, वो बीच में थे इनके ही भगे डोले हैं वो, हालांकि भगा में हम रोज पर कहीं ना कहीं करा घुसे, आंदोलन तक ये एक जाति एक समाज एक धर्म, फिर कहा ना आमदार तो एक ही भी है, हमारे तो एक बिल्कुल एक। पूरे किसान आंदोलन में जो गोदी मीडिया बोली जाती है, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, उनके पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं कई जगह, कौन सी बिरादर के लोग हैं गोदी मीडिया, ये समझाओ हमें पहले, आपने आप ही विरोध करते हैं गोदी मीडिया, मैंने किसी को गोदी मीडिया ना कही आज तक ना कही, मैं तो नाम लेके बुराई करूँ, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, अरे तो वो समझा जाओ ना कौन सी बिरादर के आदमी है, सुधीर के अर्णव के, देखो सुनो सुधीर खूब आ जाओ हमारे बीच में, हमारी बात सुनो और बिना काटे पीटे सूदी सुनाओ जाके, हमें कोई परेशानी ना सुधीर थे, सुधीर ने ना हमारो खेत दाब रखो ना हमारो घर दाब रखो, हमारी वैचारिक लड़ाई है और जब तक रहेगी तब तक विचार सही नहीं होंगे, ना सरकार से दिक्कत है आपको ना बीजेपी से दिक्कत, ना मेरे दिक्कत है किससे आपको, किसके अरे ना सरकार से दिक्कत ना यार, हम अपने वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं हम,
हम फौजदारी कर रहे हैं, बेचारे की लड़ाई है। और क्या, हमारे घर में घुस जाएगी सरकार, मीडिया घुस जाएगी हमारे घर में। ये अधिकार लेने आए हो अपना? अपने अधिकार भी लंगे, अपने उनके विचार हमें अच्छे नहीं लगे, अपने विचार लेके आ गए। ये वैचारिक आंदोलन है और ये चलते रहे और अधिकार की लड़ाई जनता लड़ती रहे। मीडिया सही काम नहीं करेगी, हजार बार बुराई करेंगे हम, लेकिन मीडिया के कई आदमी ने खेत ना जोत रखे हमारो, और ना हम जोतन देंगे, ना मीडिया बारे थे ताकतवर, क्या हमारे घर में घुस जाए? क्यों डर रहे हैं कि हमारी जमीन छिन जाएगी? जमीन क्या छीन लेगा हमारी? कोई जमीन तो नेता ने मिला देंगे हम, इन्हें भुगने भुगाने को जमीन दे हम, ऐसा जमीन ना देंगे भाई। जमीन दे देंगे, इनकी लागत लगी जमीन में। कानून रद्द होने के अलावा अगर वो किसी भी तरह से आपकी मांगों को मानते हैं, संशोधन करके संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर सहमत? भैया उन्हें हम दे आगे की बात करन दो, तुम अगलो लाइसेंस लेने बताया करो हमारे। बोल लो बात हमारी, आपकी क्या राय है? आगे की बात ये है कि पहले हम उनकी सुनेंगे, हमारे कितनी समझ में आ रही है हम विचार करेंगे। यार आगे की बात तुम आज पूछने आ गए, सरकार करे आपकी समझ में नहीं आ रही कुछ? सरकार ने यूनिवर्सिटी खोल लेती, पहले हमें पढ़ाने को क्यों ना खोली उन्होंने? ये किसान ने पढ़ाती समझाती, कानून समझ में नहीं आ रहे इन नेतान की समझ में ना आ रहे, और नेतान की समझ में किसान भी ना आ रहे, और इनते बताती हूँ जितनी जल्दी इनकी समझ में आ जाए अपने दिमाग सही कर लेंगे। लेकिन भारत में ये जो कानून बने ये नई महामारी इन्होंने छेड़ दी, ये इन्होंने धर दी हमारे ऊपर। बड़ी कौन सी लगती है आपको? हमें तो भैया दोनों ही बगी लगे, और यू ज्यादा बगी है हम बारी, कोरोना सारे भगा लेंगे हम, लट पट्टन थे भी आ भगाएंगे। यार हमें एक सभा महीना है, वो कहीं कोरोना हुए और वो जाओ, तुम पे ना, तुम पे तो मुछी कैसे भी ना आए, अब ताली थाली बजा के भाग, तुम पे तो मुछी के भी ना आए, कोरोना वैसी भागो हमें देख के ही। लेकिन सरकार ने सीएनआरसी का आंदोलन हटा दिया कोरोना के लिए, कैसे आंदोलन खत्म हो गया था, खत्म कर दिया था सरकार ने कोरोना? सरकार से आज बोलती हूँ या खत्म कर दे जाओ, आरोप है तुम 7 साल से तुम ईमानदारी की बात ना बोले, क्यों बोले, क्यों लगे हम तुम्हारे संग, क्यों लगे हम तुम्हारे संग? हम तो उनके पास भी गए थे, आपके पास भैया, हम तो उनके पास जाएंगे। हमारी बात हम मतलब आप उनके साथ नहीं, हमारी बात हमारे संग करो, हम ते करो, हम इन नेतान की तरह ना कि वहाँ जा धसे वहाँ जा धसे, उनमें ते ना हम अपने। एक आखिरी सवाल, अगर देश हित में कोई भी आंदोलन करता है तो आप उसके साथ हो? भैया देखेंगे कैसे आंदोलन, फिर आप ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि आपके साथ देश आए? किसके? अभी आपने देश ही हमें, देश ही हमें, भारत को किसान ही भारत है। ठीक है, ठीक है, मैं मानता, बात खत्म करो, मैं मानता हूँ ना। अब तुम यार कामो खागी वो पटाखे बेचा के भी आंदोलन हम पे चल मान लगो, हम आंदोलन चला रहे हैं बिना वजह की। कामो खागी अपने काम को बैठे, अपनी बात करो हमसे। तुम चलो ठीक है, चलो तालियां। हमने आंदोलन करे, हमारी फसल बहुत बम्फर हुई है, तो अब के भी हमारी फसल और अच्छी होगी। अपने अंदाज में नए साल की शुभकामना और दे दो दर्शकों को। भैया सबको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके नया साल अच्छो रहे, और हो सके नई साल में हम भी उठ के चले जाएं यहाँ से, हमारी वो कामने बढ़ जाए। सब भैया के नया नया साल अच्छो आवे, मीडिया सदबुद्धि दे, जनता की बात करने लगे मीडिया। नेता ने सदबुद्धि दे, नेता सही सही काम करने लगे, बहकाने काम ना करे। ये नया साल सबके नया अच्छो हो, महामारी की दवाई आई जाएगी, ये भी निपटने पे ही है। ठीक, धन्यवाद। ठीक है भैया, राम 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 भैया।